तैयार अकरम, सज्जाद की प्रिडिक्शन बिल्कुल ठीक हो गई, मेरा प्रमोशन हो गया। Really? वाह भाई, अब तो मैं भी मान गया सज्जाद बहुत अच्छा हाथ दिखता। इसने एक महीने पहले कहा था कि मेरी प्रमोशन हो जाएगी, देख ले हो गई। फिर तो तूने ठीक किया सज्जाद शादी से इनकार करके। छोड़ यार, कोई और बात कर। मैं तो कहता हूँ यार, हम सब मिलकर लॉटरी के टिकट से लेते हैं, ऐश ऐश हो जाएगी निकल आई तो। अच्छों वाली बातें मत करो तुम दोनों, हाथों की लकीरों में ये सब नहीं लिखा होता। अच्छा, हाथों की लकीरों में ये सब नहीं लिखा होता। अपने हाथ की लकीर देख के बता तेरी शादी लिखी है कि नहीं। मेरे हाथों में शादी की लकीर है। फिर तो कोई मसला ही नहीं है भाई, इस बार देखभाल के शादी करना। और मेरी मांग तो पहले अपने बाबा जी को हाथ दिखा देना, उसके बाद कोई डिसीजन लेना। ऐसा ही सोचा है कुछ। ये मेरा बेटा है सज्जाद, और सज्जाद ये हुस्ना आंटी आलिया की अम्मी बताया था। मैं समझ गया। आप लोग वीकेंड पे आए ना हमारे घर। बिल्कुल जरूर आएंगे इंशाल्लाह। जी जी। आंटी मुझे आपसे एक बात करनी थी। बोलो बेटा। देखिए आंटी, प्लीज आप माइंड मत कीजिएगा, एक फरमाइश है बस जो करनी है। फरमाइश? कैसी फरमाइश? नहीं नहीं, घबराने की कोई जरूरत नहीं आंटी। मैं इस रिश्ते को जोड़ने से पहले आलिया के हैंड प्रिंट्स देखना चाहता हूँ, और तारीख पैदाइश और वक्त भी। अरे सज्जाद बेटा, ये क्या बातें कर रहे हो? ये तो बाद में भी पूछा जा सकता है। नहीं नहीं अम्मी, ये बातें बाद में करने वाली नहीं। मैं चाहता हूँ कि आंटी के सामने भी सब कुछ क्लियर। आप एक काम कीजिए ना आंटी, आप मुझे आज बस आलिया के हैंड प्रिंट शेयर कर दीजिए, मैंने अपने टीचर को भिजवाने हैं। अरे अरे क्या हो गया? तो मैं तो समझी कि पता नहीं कौन सी फरमाइश है, मैं तो डरी गई थी। हाँ हाँ बेटा, आप फिक्र ना करो, एक दो दिन में मैं भेज दूंगी। थैंक यू सो मच आंटी, एंड आई एम रियली सॉरी इतनी नामुनासिब फरमाइश करने के लिए। अरे लोग तो पता नहीं रिश्ता करने से पहले क्या क्या पूछ लेते हैं, ये तो कोई इतनी बड़ी फरमाइश है ही नहीं। वैसे बेटा आप तो काफी पढ़े लिखे हो ना, इन बातों पे यकीन रखते हो? अगर हाथों की लकीरों से आने वाले नुकसान का पता चलाया जा सकता है तो मैं समझता हूँ इसमें कोई बुराई नहीं। मुबारक हो अम्मी। मैंने आलिया के हाथों को बहुत डिटेल में देखा है और सब क्लियर। सच? बिल्कुल सच। ये तो बड़ी अच्छी खबर है, मैं तो डर रही थी कि आलिया की अम्मी तुम्हें खपती और वहमी ना समझें, इनकार ही ना करते रिश्ते से। चलो मैं जरा उन्हें कॉल करके शादी की डेट लेती हूँ। पी लो चाय, ठंडी ना हो जाए।